श्री शिवाय नमस्तु। एक बात अपने जीवन में सदा उतार करें, घर में अगर तुलसी का क्यारा है तो तुलसी महारानी हमें ये बता देती है कि हमारे घर में सुख आने वाला है कि दुख आने वाला है। जैसे शनि अपना प्रकोप दे रहा है या शनि उतर रहा है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मालूम पड़ जाता है। कैसे? शनि कथा अगर आपने सुनी हो तो उसमें व्याख्यान आता है। शनि कथा में पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आदिक वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अपने आप फट, आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग, कैसे उसकी गारंटी नहीं है, उसका हम वर्णन नहीं कर रहे। हम जब पहनते हम समझ जाते हैं इसको शनि तो ऑलरेडी लगा ही हुआ, जब उनका घुटना घुटनी सब फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि शनि पहले से लग गया बापड़ा उनके, पहने से तो मालूम पड़े। शनि का नियम है, शनि कथा कहती है पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो गया। कितना सुंदर कहा है महाराज, जूता चप्पल आज के जमाने में तो फैशन हो गई साहब, घर की चप्पल अलग होती है, बाहर की चप्पल अलग होती है, लोग घर में चप्पल किचन तक में पहन के जाते हैं। अरे पानी ले जाओ सीओर से, रसोई घर में लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, जहां भगवान का प्रसाद बन रहा, जहां अन्नपूर्णा निवास कर रही है, और पूछो तो कहे किचन की चप्पल है तो माथे पे रख लो। तुम अपनी मां को जरूर देखना एक बार, वो बूढ़ी मां कितनी बार किचन में चप्पल पहन कर गई, मुझे जरूर फोन कर बताना। बूढ़ी मां रसोई घर में आज भी बिना चप्पल के जाती है, और बहुओं की कहीं एड़ी नहीं फट जाए, ठंड नहीं बैठ जाए, इसलिए ये रसोई घर तक में चप्पल पहन कर जाती है। सूर्यनारायण की कथा पढ़ना, शनि महाराज की कथा पढ़ना और गरुड़ पुराण की कथा पढ़ना, जिन जिन कथाओं का हम व्याख्यान कर रहे हैं उसको पढ़ना जरूर हो। क्या लिखा है, घर के अंदर जब चप्पल जाती है रोग बीमारी कष्ट तकलीफ चालू हो जाती है। तुमने चप्पल क्यों पहनी, ठंड नहीं बैठ जाए, रोग नहीं बैठ जाए, घर के अंदर उतना बढ़ गया, एक कालीन बिछा दो, एक दरी बिछा दो, मोटा आसन बिछा दो जिस पर तुम चल लो। जरूरी है कई कई लोगों को हमने ये भी देखा कि कालीन पर भी चप्पल पहन के चल जाए, और ब्राह्मणों को भोजन परोस रहा है, गुरुजन को भोजन परोस रहा है, ठाकुर जी की थाली बना रहा है, ठाकुर जी का थाल लगा रहा है, तो भी चप्पल है पांव में, तेरा क्या होगा रे कालिया, क्या होगा विचार तो करो। देह पड़ी रे जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अभी भी सुधर जाओ रे, अभी भी सुधर जाओ, नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, या तो सुधरो नहीं तो सिधरो, थोड़ा सुधरो। रसोई घर में अन्नपूर्णा रहती है, रसोई घर में श्री महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को मां जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा से,
हे अन्नपूर्णे, तुम मेरे घर के बच्चों का भरण पोषण कर रही है। इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये मेरे पुत्र कहलाते हैं। तो अन्नपूर्णा ने कहा, चिंता मत करना भोलेनाथ, जिस जगह पर एक स्त्री बेटी कन्या या घर की बहू या बूढ़ी माँ भोजन बनाएगी उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी। रसोई घर नहीं होगा, वो मेरा और तुम्हारा मंदिर कहलाएगा। अब मंदिर में चप्पल पहनकर भोजन का निर्माण करना ये श्रेष्ठता है। एक आसन पटक लो आप रसोई घर के अंदर, जिस आसन पे खड़े हो के आप भोजन बना लो, मोटा सा आसन रख लो, चप्पल की जरूरत ही नहीं। श्रीमद भागवत कथा कह रही है तुलसी का मात्र, तो शनि अपनी दृष्टि बता देता है। शास्त्र कहता है जब घर के अंदर प्रवेश करने के, जब आप घर में प्रवेश करें तो कोने में चप्पल को उतार दें, बाहर जगह नहीं है तो घर के अंदर प्रवेश कर लेफ्ट में चप्पल को उतार दें और सात या तीन कदम के अंदर चप्पल उतर जाना चाहिए घर के अंदर भी। और उसके बाद अगर चप्पल अंदर प्रवेश कर रही है तो राहु केतु शनि के साथ प्रवेश करते हैं, जिसके घर में बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ती। शनि कथा सूर्य की कथा का स्मरण करिए, आपको मालूम पहचान हो जाता है। महाराज तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा क्या है, बार बार जल डालने के बाद भी तुलसी सूख रही है, बार बार आप पूजन कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं तो भी तुलसी के दल सूख रहे हैं। तुलसी बता देगी कि तुम्हारे घर में तकलीफ आने वाली है, कष्ट आने वाला है, सूख रही है, किसी ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इसमें घर में तकलीफ आएगी, तुमने लगाया फिर सूखी, फिर लगाया फिर। तुलसा महारानी बता देती है कि कष्ट है। और जिस गमले की तुलसा घेर घमोर हो, फलित तो हो, आनंद में हो, तो उस घर में फिर दुख नहीं आता, समृद्धि खुद बढ़ती चली। जिन शंकर भगवान को आप जल चढ़ाते हो, जिन ठाकुर जी से आप लाड लड़ाते हो, जिन भगवान कृष्ण का आप स्मरण करते हो, राधा रानी का आप नाम जाप करते हो, जिस परमात्मा का आप भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम स्मरण कर रहे हो, उसे तुम्हारा एक संबंध होना चाहिए, एक रिश्तेदारी होना चाहिए।